हाय, वेलकम टू ज्योति एजुकेशन सेंटर। लास्ट वीडियो में बात कर रहे थे हम पैसिव वॉइस की, जिसमें से हमने प्रेजेंट इंडेफिनिट का पैसिव वॉइस कैसे फॉर्म होता है वो पढ़ लिया था। तो आज हम ऑब्वियसली स्टार्ट करेंगे पास्ट इंडेफिनिट। अच्छा, प्रेजेंट इंडेफिनिट आपको आई होप अच्छे से आ गया होगा। अगर आपको कोई भी डाउट है या अब तक की वीडियो में कोई भी डाउट है तो आप मेरे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हैं या मेरी मेल आईडी पर मेल भी कर सकते हैं। मेरी मेल आईडी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी हुई है। लेकिन अगर उससे पहले आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए। और हाँ, डोंट फॉरगेट टू प्रेस बेल आइकन बटन सो दैट यू कैन नेवर मिस एनी वीडियो। तो आइए, लेट्स स्टार्ट पास्ट इंडेफिनिट। सबसे पहले बात करते हैं इसके टेंसेस की। टेंसेस में हमने क्या पढ़ा था, इसकी पहचान होती है लास्ट में ता था, ती थी, जैसे मैं इस घर में रहता था, या आ ई ए। ठीक है, ये पहचान होती थी मैंने ये काम किया, मैंने खाना खाया, इस तरह से। तो पैसिव वॉइस में क्या पहचान होती है इसकी, क्योंकि इसमें जाता है इस टाइप से यूज होता था। प्रेजेंट इंडेफिनिट में तो उसमें भी क्या यूज होगा, जाता था, मतलब मेरे द्वारा ये काम किया जाता था, इस टाइप से हम यूज करते हैं। या फिर गया, क्योंकि आई ए जो आते हैं, मेरे द्वारा काम किया गया, खाना खाया गया मेरे द्वारा, गया, इस टाइप से इसकी हिंदी में पहचान होती है। मैंने यहाँ लिखा भी है गया, गई, जाता था, गो वाला नहीं मैं फिर बोलूंगी। हमारा जो वॉइस है वो ऐसे निकलता है, जैसे मैंने लिखा भी है ही गेव मी अ बुक, उसने मुझे बुक दी, या आई रोट अ लेटर, मैंने एक पत्र लिखा, तो मेरे द्वारा एक लेटर लिखा गया, मेरे द्वारा लिखा गया, इस टाइप से हमारी वॉइस निकलती है। और मैंने फर्स्ट वीडियो में तो पूरा आपको इंट्रोडक्शन बताया है कि क्यों हमें पैसिव वॉइस की जरूरत पड़ी। तो आइए देखते हैं। सबसे पहले बात करेंगे अफर्मेटिव सेंटेंसेस की। तो टेंसेस में सबको आपको तो लर्न हो गया होगा, अच्छे से समझ आ गया होगा, सब्जेक्ट, सेकेंड फॉर्म और ऑब्जेक्ट। पैसिव में सबसे बड़ी चीज, इसमें फॉर्म देखने का चक्कर ही नहीं होता, इसमें थर्ड फॉर्म यूज करते हैं मेन वर्ब की। ठीक है, तो पैसिव वॉइस में क्या हो जाएगा, यहाँ सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट से स्टार्ट होता है हमेशा पैसिव वॉइस। ठीक है, अब तक आपको दोनों वीडियो से लर्न भी हो गया होगा। अच्छा, वहां पर हेल्पिंग वर्ब क्या यूज कर देते हैं, इज एम आर, और यहाँ पर क्या यूज करेंगे, क्योंकि ये पास्ट है, वॉज एंड वर। देखिए, फर्स्ट पैसिव वॉइस जो आपने सीखा है प्रेजेंट इंडेफिनिट, बहुत ही अच्छे से लर्न करिए। अगर आपने वो सीख लिया, उसी के बेस पर आप सारे पैसिव वॉइस कर लेंगे। और लेकिन उससे पहले अगर आपने टेंसेस लर्न नहीं किए हैं तो प्लीज टेंसेस को अच्छे से लर्न कीजिए, टेंसेस के बिना आप पैसिव वॉइस को नहीं सीख सकते। चलिए बढ़ते हैं आगे। वॉज वर्ब, फिर थर्ड फॉर्म आनी है, फिर बाय के द्वारा सब्जेक्ट, क्योंकि इसमें अपोजिट हो जाता है, यही इसका बेसिक स्ट्रक्चर भी होता है। ठीक है, बस हेल्पिंग वर्ब यहाँ पर चेंज हो जाती है। सब अफर्मेटिव सेंटेंसेस का बेसिक स्ट्रक्चर यही रहेगा। 8 पैसिव वॉइस है हमारे, और 8 पैसिव वॉइस का बेसिक स्ट्रक्चर यही रहेगा, बस क्या चेंज हो जाती है, हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब से ही हम पहचानते हैं। अब ही गेव मी अ बुक, उसने मुझे किताब दी, यही है। अब इसमें दो ऑब्जेक्ट आ रहे हैं। तो लास्ट वीडियो में भी मैंने दो ऑब्जेक्ट वाला एक सेंटेंस लिया था, और इसमें क्या बताया था, जो ऑब्जेक्ट मेन वर्ब के पास, मी और आप, ये दो ऑब्जेक्ट है, लेकिन मेन वर्ब के पास कौन सा ऑब्जेक्ट है, मी वाला। तो हम इसको सब्जेक्ट बनाएंगे, इसको सब्जेक्टिव फॉर्म में ले जाएंगे। अगर आप बुक से बनाओगे तो भी वो रॉन्ग नहीं होगा, किसी से भी बना सकते हैं, लेकिन मैं प्रेफर करती हूँ ये वाला, इससे बनाना सबसे सिंपल होता है, जो मेन वर्ब के पास होता है, कोई भी प्रपोजिशन वगैरह यूज करने की जरूरत नहीं होती। तो देखते हैं, ही गेव मी, सबसे पहले बस इसको कवर अप कर लीजिए, बस इसका बनाइए ही गेव मी। तो सबसे पहले ऑब्जेक्ट, ठीक है, ऑब्जेक्ट आई। अब ये आई कैसे बन गया, तो इंट्रोडक्शन में भी मैंने आपको बताया था सब्जेक्टिव एंड ऑब्जेक्टिव केस। जब हम ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट की तरह लाते हैं और सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट की जगह ले जाते हैं तो इनका केस भी चेंज हो जाता है। मतलब ये मी ऑब्जेक्टिव केस है, अगर ये सब्जेक्ट की जगह इसको बिठाएंगे तो भाई इसको भी एडजस्ट करना पड़ता है ना। अब दोनों की पोजीशन चेंज कर दी तो एडजस्ट के लिए उन्हें भी थोड़ा सा मेहनत करना पड़ेगा, तो मी को इधर मेहनत तो करना पड़ेगा। और मी का सब्जेक्टिव केस क्या होता है, आई। आप सब्जेक्टिव केस जाइए, मैंने उस पर सारे बताए, आई का मी, यू का यू ही रहता है, शी का हर, ही का हिम, इस टाइप से आई। अब आई के बाद हेल्पिंग वर्ब, आई के साथ क्या यूज होता है, वॉज।
हमेशा इसके अकॉर्डिंग हम हेल्पिंग वर्ब देखेंगे सिंगुलर या प्लूरल, ये बात आप ध्यान रखना, इसके अकॉर्डिंग नहीं देखेंगे आप सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। आई वॉज, इसके बाद थर्ड फॉर्म गिव, गेव, गिविंग, ठीक है यहां तक हो गया, आई वॉज गिविंग, ठीक है। अब इसके बाद जो बचा हुआ ऑब्जेक्ट है वो एजेक्ट आ जाएगा ऑब्जेक्ट की जगह, और लास्ट में सब्जेक्ट, तो बाय का यूज करते हो बाय। अब देखिए इसमें भी देखिए, ये ही का ऑब्जेक्ट केस ऑब्जेक्ट की जगह गया है तो ही को एडजस्ट करना पड़ेगा, ही का ऑब्जेक्टिव केस क्या है, ये आप जरूर याद रखिएगा। ऐसा मत कर देना मी वॉज गिवन अ बुक बाय, बिल्कुल गलत, कि भाई यही तो रूल है, हम तो ऐसे ही करेंगे, यही तो बोलते हैं सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट पहले आ जाता है सब्जेक्ट लास्ट में, क्योंकि उनका केस भी आपको चेक करना पड़ता है। हाँ यू एक ऐसा है, यू पे कुछ चेंज नहीं होता, यू में आपको नहीं देखना, यू यू ही रहता है। चलिए एक और एग्जांपल से समझते हैं। आई रोट अ लेटर, हिंदी में मैंने एक पत्र लिखा, ये सबको बिल्कुल टेंसेस तो बिल्कुल परफेक्ट, अच्छा, लेकिन हम न्यू चीज जो पैसिव वॉइस पढ़ रहे हैं इसमें, एक पत्र लिखा गया मेरे द्वारा, लिखा गया, इसमें भी गया, ठीक है, तो इसलिए मैंने यहाँ पर लिखा गया गई, या फिर मैं एक पत्र लिखता था, एक पत्र मेरे द्वारा लिखा जाता था, ठीक है। तो सबसे पहले वही ऑब्जेक्ट क्या है, लेटर, तो ऑब्जेक्ट पहले आ जाएगा अ लेटर, इसके बाद लेटर सिंगुलर है तो वॉज, इसके बाद थर्ड फॉर्म, इसके बाद बाय और आई का फिर से ऑब्जेक्टिव केस क्या होता है, मी, तो ये आपके अफर्मेटिव हुए। अच्छा अब बात कर लेते हैं नेगेटिव की, भाई नेगेटिव कौन सी बड़ी चीज है, एक बार अफर्मेटिव आ जाए फिर तो इंटरोगेटिव वगैरह सब आप दे जाते हैं, है ना, नेगेटिव की। अच्छा नेगेटिव में यहाँ पर क्या लगता था, ये तो मैं इसको एक्सप्लेन नहीं करूंगी, इसको एक्सप्लेनेशन आप मेरी पास्ट डेफिनेट की वीडियो में जाके देखिए टेंसेस में, क्योंकि वहां मैंने बहुत भाई अच्छे से एक्सप्लेन किया। He did not give me a book. I did not write a letter. इसको मैं एक्सप्लेन नहीं करूंगी कहां से आ गया, मैं बात करूंगी पैसिव वॉइस में क्या होता है, ठीक है। उसने मुझे एक किताब नहीं दी, तो इसमें पैसिव वॉइस में भी बना दो, पैसिव वॉइस में भी बना दो, मेरे द्वारा मुझे क्या है बुक, एक किताब नहीं दी गई उसके द्वारा, तो बस सिंपल हेल्पिंग वर्ब के बाद नॉट लगाना है। रूल का ये चीज होता है, ऐसा नहीं है जब मेन वर्ब के बाद नॉट लगेगा, लगता हेल्पिंग वर्ब के बाद ही है। अ लेटर वॉज नॉट रिटन बाय मी, सिंपल, बल्कि प्रेजेंट इंडेफिनिट और पास्ट इंडेफिनिट एक बार नोटिस की होगी आपने, ये पैसिव वॉइस बनाना ज्यादा इजी है, उसमें तो हाइड हो जाती थी, फिर डज लगता था, डू लगता था, डिड लगता था, जैसे इसमें हुआ है, इसमें तो कुछ भी नहीं है, हेल्पिंग वर्ब आनी है उसके आगे नॉट लगना है। नाउ इंटरोगेटिव सेंटेंसेस, इंटरोगेटिव सेंटेंसेस सिंगल एंड डबल, सबसे पहले बात करते हैं सिंगल इंटरोगेटिव सेंटेंस की, यस और नो टाइप सेंटेंस याद आया, जिनका आंसर हम केवल यस और नो में भी कर सकते हैं, तो देखते हैं। सबसे पहले एक्टिव पैसिव, मतलब एक्टिव वॉइस में देखते हैं, सिंपल डिड लगता था क्योंकि इट सिंगल इंटरोगेटिव हमेशा हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट होते हैं, उसके बाद सब्जेक्ट, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और ऑब्जेक्ट। अब तो आप एक्सपर्ट हो गए, अब आप लोग पैसिव वर्ब में अपने आप बताइए डिड, लेकिन इसमें हेल्पिंग वर्ब क्या होती है, वॉज या वर, उसमें सब्जेक्ट आता था, इसमें क्या आता है पहले ऑब्जेक्ट इधर आ जाता है, ठीक है, यही होता है, देखिए ऑब्जेक्ट आ गया, इसमें फर्स्ट फॉर्म, उसमें हमेशा पैसिव वॉइस में थर्ड फॉर्म, लास्ट में बाय का यूज करके सब्जेक्ट, कुड। देखते डिड आई राइट अ लेटर, क्या मैंने एक पत्र लिखा, क्या एक पत्र लिखा गया मेरे द्वारा, क्या एक पत्र मेरे द्वारा लिखा गया, ठीक है। तो डिड आई राइट अ लेटर, अब इसमें भी आप चेंज करिए डिड वॉज, अब इसके बाद अ लेटर है, वॉज अ लेटर, और रिटिन राइट रोट रिटिन थर्ड फॉर्म, बाय और आई की जगह मी, सिंपल है, बिल्कुल सिंपल है। अगर हम इसमें नेगेटिव भी लगा दें, नेगेटिव कहा लगता था उसमें सब्जेक्ट के बाद, तो इसमें कहा लगेगा नेगेटिव, ऑब्जेक्ट के बाद,
वही बात आ गई ना, डिड डायरेक्ट वॉज नॉट मत लगा देना, जैसे उसमें डिड नॉट नहीं लगाते थे, रूल सब में सेम है, वॉज अ लेटर नॉट। अगर मुझे यहाँ यूज करना है क्या एक पत्र मेरे द्वारा नहीं लिखा गया, तो वॉज अ लेटर नॉट रिटन बाय मी। अच्छा इसकी बात कर लेते हैं डबल इंटरोगेटिव। डबल इंटरोगेटिव में भी भाई कुछ नहीं है, बिल्कुल सिंपल होता है, बस यहाँ का क्वेश्चन वर्ड आ जाता है, जो भी क्वेश्चन वर्ड हमारा लगा होता है, बाकी देखिए पूरा सेम है। ठीक है, तो ये भी पूरा सेम है, देख लीजिए आप इन दोनों से बिल्कुल कंपेयर कर लीजिए। तो मैंने भी बस क्वेश्चन वर्ड लगा दिया, व्हेन डिड आई राइट अ लेटर, यानी कि एक लेटर मेरे द्वारा कब लिखा गया। ठीक है, तो व्हेन, और कुछ नहीं है इसमें, देखिए वॉज अ राइट अ लेटर रिटन बाय मी। इसमें भी अगर नेगेटिव लगाना है तो सब्जेक्ट के बाद, सॉरी ऑब्जेक्ट के बाद, इसमें सब्जेक्ट के बाद ऐसी करते थे, व्हेन डिड आई नॉट, इसमें भी व्हेन वाज अ लेटर नॉट रिटन बाय मी। तो इधर आप ही खत्म हो गए पास्ट इंडेफिनिट। चलिए इधर मैंने एक सेंटेंस लिखा है, ही किल्ड अ स्नेक, इसको हम पैसिव वॉइस में कन्वर्ट करते हैं पास्ट इंडेफिनिट में ही, और जिसपे मैंने सारे तरह के स्ट्रक्चर लिए हैं, एक प्रैक्टिस आप लोग करिए इस पार्ट को, आप कवर, आप सिर्फ इतना नोट कीजिए, ठीक है, फिर आप चेक करिए क्या आप इससे अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंटरोगेटिव, डबल इंटरोगेटिव बना पा रहे हैं, और फिर आप इसको चेक कीजिए कि आप कितने सही हो। ठीक है, ये आपकी प्रैक्टिस के लिए। ही किल्ड अ स्नेक, तो सबसे पहले अफर्मेटिव में सबसे पहले क्या आता है, ऑब्जेक्ट अ स्नेक, इसके बाद हेल्पिंग वर्ब वॉज, यही बताया था, थर्ड फॉर्म बाय, और ही का ऑब्जेक्टिव केस क्या होगा, क्योंकि सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट की जगह रख रहे हो, तो हिम, स्नेक वॉज किल्ड बाय हिम, इसी में नेगेटिव वॉज के बाद क्या लग जाएगा, नॉट, अ स्नेक वॉज नॉट किल्ड बाय हिम। अच्छा इसकी जगह सिंगल इंटरोगेटिव, सिंगल इंटरोगेटिव में पहले हेल्पिंग वर्ब आती है, तो देखिए इससे ही आप सारे सीखेंगे, वॉज, इसके बाद ऑब्जेक्ट अ स्नेक, इसके बाद मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म, थर्ड फॉर्म हमेशा रहनी है, कोई चेंज नहीं होगा, और इसके बाद बाय हिम। ठीक है, आप चाहे तो इससे बनाइए या इससे, अब इसमें डबल इंटरोगेटिव, डबल इंटरोगेटिव, इसने सांप को क्यों मारा ऐसे, या फिर एक सांप उसके द्वारा क्यों मारा गया। ठीक है, इस टाइप से, व्हाई वाज अ स्नेक किल्ड बाय हिम, तो ये हो गया आपका एक प्रैक्टिस के लिए। मैं फिर बता दूं, उसने एक सांप मारा, ये हमारी एक्टिव वॉइस थी, और तो हमें पैसिव वॉइस बनानी थी, तो हिंदी में कैसे, एक सांप मारा गया उसके द्वारा, या एक सांप उसके द्वारा मारा गया। ठीक है, एक सांप उसके द्वारा नहीं मारा गया, क्या एक सांप उसके द्वारा मारा गया, एक सांप उसके द्वारा क्यों मारा गया, इस टाइप से हम पास्ट इंडेफिनिट का यूज करते हैं। आई होप आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी, इफ यू हैव एनी डाउट यू कैन मेल मी और यू कैन राइट अ कमेंट इन अ राइट बॉक्स, एंड सो विल मीट यू इन नेक्स्ट सेशन विद अ न्यू Passive voice, future indefinite. Till then, bye bye. Take care.